रक्षा उठो ना, सुबह हो गई। रक्षा उठो ना। इस एक ट्रिक से आप तीन अभिक्रियाओं को याद रख सकते हो, उर्स अभिक्रिया, फिटिग अभिक्रिया और उर्स फिटिग अभिक्रिया। ये तीनों अभिक्रियाएं मात्र एक ट्रिक से याद रख सकते हो। रक्षा का मतलब RX एल्किल हैलाइड, उठो का मतलब उर्स अभिक्रिया, ना का मतलब Na ना, सोडियम धातु। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ की जाती है, तो इस अभिक्रिया को उर्स अभिक्रिया कहते हैं। एल्किल हैलाइड का एक अणु सीधा लिखो और दूसरा अणु उल्टा लिखो। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के दो अणु भाग लेते हैं, एक को सीधा लिखते हैं, एक को उल्टा लिखते हैं, और इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ करते हैं। यहाँ पर सोडियम के दो परमाणु होते हैं, एक सोडियम एक हेलोजन के साथ और दूसरा सोडियम दूसरे हेलोजन के साथ क्रिया करता है। दोनों सोडियम दोनों हेलोजन को लेकर भाग जाते हैं, तो क्या बनता है? दो सोडियम हैलाइड के अणु प्राप्त होते हैं। R और R दोनों एल्किल समूह आपस में जुड़ जाते हैं और एल्केन बनाते हैं। अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, तो ये अभिक्रिया उर्स अभिक्रिया है। इस एल्किल हैलाइड के स्थान पर हम हेलोबेंजीन लेते हैं, इस आर को हटाकर उसके स्थान पर हम बेंजीन को लिखते हैं, तो यहाँ पर हेलोबेंजीन बनता है। दोनों सोडियम हेलोजन के साथ अलग हो जाते हैं, सोडियम हैलाइड बनाते हैं और बेंजीन बेंजीन के साथ जुड़कर डाई बेंजीन बनाता है। डाई बेंजीन, इसे हम फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। परंतु यदि एक अणु हेलोबेंजीन होता है और दूसरा अणु एल्किल हैलाइड होता है, तो क्या प्राप्त होता है? एल्किल बेंजीन। और इस अभिक्रिया को उर्स फिटिग अभिक्रिया कहते हैं।